जोधपुर में 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थानेदार गजेंद्र सिंह चारण की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी थानेदार को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। वहीं मामले में फरार चल रहे बासनी थानाधिकारी संजय बोथरा और हेड कांस्टेबल तेजाराम की एसीबी तलाश कर रही है। गौरतलब है कि एसीबी ने बजरी के जब्त डंपर को छोड़ने की एवज में रिश्वत लेते बासनी थानेदार गजेंद्र सिंह चारण को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को सीबीआई न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी थानेदार को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं थानाधिकारी संजय बोथरा और हेड कांस्टेबल तेजाराम के नाम भी एफआईआर में शामिल होने के बाद से ही दोनों फरार चल रहे हैं और फिलहाल एसीबी दोनों की तलाश कर रही है। आज इसको पेश किया गया माननीय सीबीआई साहब के सामने और उनसे उनको चेती किया गया। प्रकरण में 2 नामजद आरोपी और हैं, संजय बोथरा और तेजाराम हेड कांस्टेबल। इन दोनों के विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रही है और वो अभी एसीबी के सामने।